सो अभी फिलहाल गाड़ी लेते हैं और बता दें कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये देखो, ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम है और पीछे की लाइट भी नहीं चल रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, फिलहाल अभी ब्रेक टाइम है 10 मिनट का और एकदम मस्त वाली बारिश चल रही है। सो लास्ट लेक्चर ही अभी बाकी है, वैसे भी 10 बज गए। रोज 3 ही लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद घर जाना है, लेकिन अगर बारिश रुकेगी तभी घर जा पाएंगे। ओ भाई, कॉलेज में पानी भरना चालू हो चुका है। चलो भाई, बारिश तो अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम करते हैं, लास्ट लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, फिर काफी देखा जाएगा। चलो भाई, फाइनली कॉलेज खत्म और बारिश भी रुक चुकी है और हर बार की तरह लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखो, ये सारे हमारे एसवाई बीबीए वाले ही है और आज प्रिंसिपल सर ने धमका के बोला है, जो भी लोग नहीं आए थे आज क्लास में तो उन सभी के घर पे कॉल जाएगा, तो इन सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि तैयारी में रहे। वैसे इन लोगों को कोई फिक्र तो नहीं है, पहले भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ चुका है, लेकिन हमको क्या है, हम लोग तो आते हैं हर रोज डेली लेक्चर अटेंड करते हैं। फिलहाल घर चलते, मुश्किल से बारिश रुकी है। चलो भाई, घर तो पहुंच गए। सो आज खाने में बना है मस्त पनीर की सब्जी, उसके साथ रोटी, सो मस्त खाते। वैसे भी 11:30 बज गए, चैनल आता ही होगा। सो भाई, फिलहाल अभी शाम के 5:45 बज रहे, चैनल भी स्कूल से आ चुका है। सो इसकी गाड़ी में वापस से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती जा रही है तो प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं। सो फाइनली अभी दिखा के आते, 2 दिन से प्रॉब्लम था, और अब ब्लिंकिंग लाइट्स हो रही है, ठीक से चार्ज बता ही नहीं आ रहा है कि कितना परसेंट चार्ज है। सो सारी प्रॉब्लम अभी बता देते, देखते क्या सोल्यूशन देते वो लोग। सो ठीक है, अभी फिलहाल चलते, और बीच का लोग तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मतलब मैं बीच में ना शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि ज़्यादातर मैंने नीचे ही काम किया है, क्योंकि 2 बार टेम्पो आ गए साड़ी के बस भर के, सो वो सारी सेटअप की रूम में और थोड़ा बहुत काम था सो निपटाया। बाकी अभी खाना खाते मस्त बैठे। ये देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरी भरी हुई थी, ये हम दोनों ने मिलके खाली कर दी, उसके साथ मस्त क्रंचक्स खाई, बहुत मज़ा आ गया, एकदम पेट भर गया। सो गाइस, फाइनली शोरूम तो पहुँच गए और मैं बीच का बताना ही भूल गया, क्योंकि मतलब आधी बात ही रह गई और मम्मी ऊपर आ गए, सो बात आधी रह गई, कट गई बीच में से बात। सो डायरेक्ट अभी शोरूम से व्लॉग कर रहा हूँ। सो अभी फिलहाल गाड़ी लेते हैं और बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये देखो, ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम है और पीछे की लाइट भी नहीं चल रही है, सो ये दोनों प्रॉब्लम है, सो ये बताते हैं उनको। सो गाइस, गाड़ी तो दे दी है और उन्होंने बोला है कि मंडे को, मतलब हमारी सर्विसिंग चालू होगी, इसमें जो भी डिफॉल्ट है वो सब कुछ चेक करना मंडे को चालू करेंगे, क्योंकि संडे को तो यहाँ पे छुट्टी होती है इसलिए। सो ठीक है, अभी फिलहाल घर चलते हैं। आज लस्सी पीनी है क्या? हाँ, लस्सी भी पी के जाएंगे और थोड़ी देर तक जेनिल चलाएगा आगे तक, उसके बाद मैं चलाऊंगा। चल तो गाइस, जेनिल ने तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक चलाई मस्त एकदम ट्रैफिक वाले रास्ते पे, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं आई। देखो, ऐसा ही रास्ता था पूरा भरचक भरचक। सो ठीक है, अभी यहाँ से मैं चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो गाइस, आज फिर से लस्सी कैंसिल और गन्ने का जूस पिया, ठीक है, गन्ने का जूस वाले भैया बंद थे, सो आज इनकी कमाई का हिस्सा इन लोगों ने ले लिया, मतलब दूसरे गन्ने वाले भैया ने, जो कि अपनी लारी घुमाते रहते हैं, सो वो खड़े रह गए। सो ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं घर। सो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, अपनी जो गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी अभी मतलब 2-3 घंटे पहले ही दे के आए, और मेरे पापा बेसिकली बाहर गए, सो उनको मैं छोड़ने के लिए गया था बस तक। सो अभी मतलब पापा का ही कॉल आया कि गाड़ी हो चुकी है, 2 घंटे में ही हो गए, वायरिंग का प्रॉब्लम था, उन्होंने सही कर दिया। सो ठीक है, फटाफट पहुँचते हैं और गाड़ी लेके घर चलते हैं। चलो भाई, गाड़ी तो मिल गई, अब चलते हैं वापस घर, और शाम हो गई लिटरली भाई, 4 बजे से लगातार गाड़ी में ही घूम रहे, कभी शाइन, कभी ये वाली, तो कभी ये वाली, अभी वापस मुझे यही चला के जानी पड़ेगी, क्योंकि इसको यही वाली गाड़ी चलाने में मजा आता है। सो चलो, अभी वापस घर चलते हैं। सो गाइस, फिलहाल अभी रात के 9 बज रहे और रात का डिनर भी कम्प्लीट हो चुका है, सो डिनर करके मैं बैठा हूँ एडिटिंग करने के लिए, पूरा सेटअप अपने साथ में रखा है, बाकी जनरल आज मस्त मूवी देखने वाला है, और कल वो भूलभुलैया 2 देखने के लिए जाएगा, सो भूलभुलैया 1 उसने देखी नहीं है, तो वो अभी देखेगा, तब तक मैं एडिटिंग भी कर लूँगा। सो ठीक है, और पापा गए हैं ऋषिकेश, सॉरी हाँ याद आ गया, उज्जैन गए, सो उनको मैं छोड़ने के लिए गया था बस स्टॉप तक, सो वहाँ से फिर वापस गाड़ी चला के आया, एकदम मस्त ट्रैफिक वाला एरिया था, सो थोड़ी बहुत आगे चलाने, 1-2 बार बंद पड़ी होगी मुश्किल से। सो ठीक है, और बस इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, एकदम नॉर्मल सा था, ज़्यादातर तो मैंने
गाड़ी में ही शूट किया, और मेरे पास कोई एक्शन कैमरा तो है नहीं कि जिसको मैं गाड़ी में सेटअप कर दूँ और लगातार शूट करता रहूँ। सो जैसा भी था आप लोगों को दिखा दिया। सो ठीक है, बस इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिल जाएगा जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और पापा गए हैं ऋषिकेश, सॉरी कुंभ मेला कहाँ पे लगता है यार, भूल गया मैं, हरिद्वार।